और दूसरी चीज हमने पार्लियामेंट में उठाया था, एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1,00,000 करोड़ थी, पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1,00,000 करोड़, फिर 2.5 साल में उस अदानी का इनकम, जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उस उनके दोस्त का आज संपत्ति 13,00,000 करोड़ है। कितना है? 13,00,000 करोड़। कोई गरीब 2,00,000 रुपए जो कमा के रखा होगा, क्या तुम्हारी संपत्ति 2,00,000 से एकदम 13,00,000 किसी का तो बना है? कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अदानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं वहां पर, और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। वो मोदी जी अगर वो नैक अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी, तुमने उसको 13,00,000 का आदमी बनाया, 13,00,000 करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13,00,000 का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया, और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी भाई? जो अदानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे, जो LIC ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जो SBI ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जिसमें गरीबों का पैसा है। बोलो क्या गलती हमने की? लेकिन फिर भी हमारे भाषण को खाड़ दिए, राहुल गांधी जी के भाषण को काट दिए, और काट कर ये बोले ये सब अनपार्लियामेंट्री है।